नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी एवरीवेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ओप्पो वीवो के फ़ोन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ओप्पो वीवो के फ़ोन्स इतने ज़्यादा मार्केट में क्यों बिकते हैं, इसके बैनर्स वगैरह के पीछे असली बात क्या है और दुकान वाला हमेशा आपको ये फ़ोन बेचने के लिए रेडी क्यों रहता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ओप्पो वीवो का जो फ़ोन है इतने ज़्यादा क्यों बिकते हैं, क्या ये इतने अच्छे फ़ोन हैं? तो सीधा सा बात, सबसे पहले अगर आपने वीडियो खोला है तो आपने ये सारी बातें सुनकर ही खोली होगी ये वीडियो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओप्पो और वीवो के फ़ोन अच्छे नहीं है। अब अच्छे क्यों नहीं है? देखिए, मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो ख़राब नहीं होता। हो सकता है कि वो मेरे लिए ख़राब हो, आपके लिए अच्छा हो, या आपके लिए ख़राब हो, मेरे लिए अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओप्पो वीवो में बात बिल्कुल उल्टी है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर भी हो रहा है और ख़राब भी है। अब क्यों है ख़राब? ये अपने पैसे वसूल वाली कीमत नहीं देता है। मतलब आप ओप्पो वीवो का फ़ोन तो ख़रीद लाएंगे आप, लेकिन जो आप उसके 15,000 रुपये 20,000 रुपये दे रहे हैं उसके हिसाब से अंदर आपको उसमें प्रोसेसर नहीं मिलता, रैम तो मिलती है एक्चुअली। अब उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या क्या फ़ोन में होना चाहिए और क्या क्या ये नहीं देते, क्या क्या देना चाहिए इन लोगों को इतने पैसों की रेंज में। तो देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले, बिल्कुल भी कीमत वसूल वाले फ़ोन नहीं है ये। अब क्यों है? बजट वाले फ़ोन नहीं है ये, क्योंकि पैसे ज़्यादा लेते हैं, माल कम देते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ वीवो के जो लेटेस्ट फ़ोन आया है, वीवो V7 Plus, जो अभी लेटेस्ट फ़ोन निकला है वीवो का, जिनको बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है वीवो के फ़ोन्स का। तो अब क्यों हुआ है मैं बताता हूँ, ऐड वगैरह क्यों हुआ है। देखिए, एक बैनर जो दुकान पर टांगते हैं उसको 40,000 रुपये मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ वीवो V7 Plus के बारे में कि इसमें क्या कुछ ऐसी खास बात है और क्या इसमें कमी है जो और फोन्स में नहीं है, और फोन्स में जो चीज़ मिल रही है वो इस फ़ोन में नहीं मिल रही है, उसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम इस फ़ोन में बहुत अच्छी है, 4 GB की रैम मिलती है। लेकिन एक बात आप समझ लो कि फ़ोन सिर्फ रैम पे काम नहीं करता है, रैम के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिन पर फ़ोन काम करता है। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मेन मेन लीड रोल आप इसको बोल सकते हैं। प्रोसेसर जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं फ़ोन में या कंप्यूटर में, मैं बोलूँ आपको, तो वो सारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो प्रोसेसर फास्ट होना ही चाहिए। और इसमें इन लोगों ने दिया हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450, ये वाला इन्होंने प्रोसेसर दे रखा है, और 20,000 में ये वाला प्रोसेसर दे रहे हैं। इन लोगों का यही ट्रिक रहता है ओप्पो वीवो का कि ज़्यादा पैसे ले लो। और अगर आप ओप्पो या वीवो की वेबसाइट पर जाएंगे, मैं स्पेशली वीवो की बात कर रहा हूँ, वीवो V7 Plus का, क्योंकि मैंने वीवो V7 Plus का देखा है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको उसका जो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी है वेबसाइट की, वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने रिकॉर्ड किया है ये। वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने जाकर वीवो V7 Plus की स्पेसिफिकेशन चेक करी थी, तो उस पर उन्होंने पता है क्या लिखा था? उस पर कुछ भी नेगेटिव ऐसी बात मैंने देखी ही नहीं कि कोई नेगेटिव बात हो उस पर। बस उसमें एक चीज़ मैंने नेगेटिव देखी थी और वो भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, वो था फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड। तो आगे लिखा था N.A, जो कि नया होता है, मतलब नॉट सपोर्टेड। तो बस मैंने यही नेगेटिव देखा था और उसमें कुछ नेगेटिव बात लिखी ही नहीं थी, जितनी भी बात थी वो सारी पॉजिटिव लिखी हुई थी और सिर्फ कैमरे के ऊपर लिखी हुई थी। तो क्या आप 20,000 का कैमरा लेने जा रहे हैं, सिर्फ एक सेल्फी लेने जा रहे हैं? हाँ, सेल्फी बहुत अच्छी आती है उस फ़ोन से, लेकिन 20,000 की सेल्फी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। सेल्फी 20 MP का कैमरा, अब मैं बता दूँ मेगापिक्सल अकेला कैमरा नहीं होता है, लेंस, फोकस, अपर्चर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमेज प्रोसेसर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मिला के कैमरा बनाती हैं। अकेला आपका मेगापिक्सल कैमरा नहीं होता है, मेगापिक्सल देखकर कभी कैमरा नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन ओप्पो वीवो के फ़ोन्स में ये आपको ट्रिक करते हैं, पता है क्या? वेबसाइट पर जो उसकी ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन है ना, मैंने अभी आपको बताया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 है इसमें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर है इसमें। ये पुराना प्रोसेसर है क्वालकॉम का, आज का प्रोसेसर नहीं है, आज तो शायद से अभी तो शायद से 835 जाने 831 ऐसी करके कुछ चल रहा है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेसर मैं बता रहा हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450, ये बहुत पहले का प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो वीवो है ना, इसने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से सब कुछ इन लोगों को लिखना चाहिए, वो इन लोगों ने लिखा ही नहीं है। इसमें बस लिखा हुआ है इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 64-bit ऑक्टा कोर प्रोसेसर, बस इतना लिखा हुआ है और कुछ उसके बारे में नहीं लिखा कि ये कौन सा मॉडल है प्रोसेसर का, कुछ लिखा नहीं है। स्क्रीन के बारे में, स्क्रीन पता है इसकी सिर्फ HD है, Full HD स्क्रीन नहीं है, जबकि इतने में तो आपको Full HD स्क्रीन मिलनी ही चाहिए थी। Full HD का मतलब होता है जैसे YouTube वीडियो आप देखते हैं या कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं, वो 1080 pixels पर चलनी चाहिए, 1920x2080 pixels पर। जैसे मेरे वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो 1080 pixels का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन उस फ़ोन में सिर्फ 720 pixels तक ही सपोर्ट करता है, क्योंकि
प्रोसेसर छोटा है, छोटा प्रोसेसर छोटी चीज़ ही सपोर्ट कर सकता है, बड़ी चीज़ सपोर्ट ही नहीं कर सकता। मतलब स्क्रीन रिजोल्यूशन बस लिखा हुआ है स्क्रीन लार्ज है, हाँ लार्ज है, इतनी बड़ी स्क्रीन लेकर के क्या करोगे ये बात मेरे को बताओ। स्क्रीन छोटी हो तो चलेगी, लेकिन स्क्रीन अच्छी भी तो होनी चाहिए। स्क्रीन चमकती है ओप्पो वीवो के फ़ोन्स की, लेकिन स्क्रीन अच्छे से काम नहीं करती, ठीक है ना। बेजल लेस बताया हुआ है उसको, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, अभी मैं वो सब दिखा दूंगा आपको। तो देख लो ये मैं हूँ अभी ओप्पो की वेबसाइट पर, अभी मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर 18:9 वगैरह का डिस्प्ले लिखा हुआ है, वेरी गुड, 18:9 का डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। आगे करते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ये देखो बस ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, बस सुंदरता अपनी दिखानी है इनको बस। देखो 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 देखो, पावरफुल परफॉर्मेंस, और देख सकते हो ऑक्टा कोर क्वालकॉम सीपीयू, 4 GB रैम। ऑक्टा कोर क्वालकॉम सीपीयू, ऑक्टा कोर क्वालकॉम सीपीयू भैया 450 है, 821 वाला नहीं दे रहे हो तुम, ये भी तो लिख के दो यार जनता को, क्यों खुलेआम बेवकूफ़ बना रहे हो, खुलेआम लूट रहे हो जनता को, ठीक है ना। और ये नहीं, अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, ये मैंने कुछ एडिट किया है, तो मैं अभी और दिखा देता हूँ ऊपर, यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस का ऊपर जो टैब आता है मैं उस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो मैं आ गया स्पेसिफिकेशंस के टैब में, और यहाँ पर देख लो वीवो का वही वीवो V7 वाला वही घटिया 2 कौड़ी का फ़ोन यहाँ पर पड़ा हुआ है। और देख सकते हो तुम बेसिक में प्रोसेसर ऑक्टा कोर 64 बिट, ठीक है ना। और इसके अलावा बस कहीं पर भी नाम नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है, 450 वाला। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि दुकान वाले इसको बेचने के लिए तैयार क्यों रहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कमीशन ज़्यादा मिलता है। अब देखिए कमीशन कितना मिलता है, 900 रुपये मिलता है एक फ़ोन को बेचने का, 900 1000 रुपये ऐसे एक फ़ोन को बेचने का, सोचो। इस वजह से वो बेचने को तैयार रहते हैं, आपको कुछ भी बोलते रहेंगे, आपको बस पूरी कोशिश करेंगे कि आप ओप्पो या वीवो का फ़ोन खरीद के ले जाओ, बस ओप्पो नहीं तो वीवो, मोस्टली ओप्पो। और पूरे भारत में अगर आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप चल रहे हैं और आपको ओप्पो वीवो के बैनर नज़र नहीं आए, तो समझ लेना कि आप भारत से बाहर निकल चुके हैं, पूरे इंडिया इसने कवर कर लिया है। क्योंकि 40,000 रुपये ये एक बैनर का देते हैं। अगर मेरी कोई दुकान है, कोई भी दुकान है, डजेंट मैटर, कोई भी दुकान, चाहे पान मसाला की दुकान हो या फिर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, उस पर अगर मैं ओप्पो या वीवो के बैनर्स के लिए अप्लाई कर दूँ और वो बैनर्स लगा जाएँ, तो 6x12 के बैनर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, 6x6 का बैनर भी होगा, तो भी उसके मुझे एक बैनर के 40,000 रुपये मिलेंगे, बैठे बैठाए 40,000 रुपये। बस बैनर टंगवाना है, कुछ नहीं करना, 40,000 रुपये मिलेंगे। और उसके अंदर आपने शॉप्स के अंदर देखा होगा ओप्पो वीवो ओप्पो वीवो ओप्पो वीवो, हर जगह ओप्पो 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 ओप्पो। अब ये क्यों है? क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं शॉपकीपर को, शॉपकीपर को उसका कमीशन मिलता है जो मैनर लगता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के पैसे देता है ओप्पो और वीवो। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फ़ोन सेल वगैरह कर देते हैं तो उसके हॉलीडे पैकेजेस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ओप्पो दे देता है गिफ्ट के रूप में, ऐसे और भी कंपनीज देती हैं, लेकिन ओप्पो वीवो कुछ ज़्यादा देता है ताकि उनका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि रणवीर सिंह जी इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उनको बस 1 सेकेंड फ़ोन को हाथ में पकड़ कर बस एक फ़ोटो खिंचवानी होती है, उसका उन लोगों को पैसा मिल जाता है। और अभी जो मैंने सच बात बताई है ना, ये बिल्कुल सच बात है, और इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी आप फ़ोन खरीदने जाओगे, आप ऐसे आप खुद है ना, मेरी बात मत मानो, प्रैक्टिकल करके देख लो। आप अपने घर पे कोई लोकल स्टोर में जाओ, जो भी लोकल स्टोर है आपका, जहाँ पर ओप्पो का भी फ़ोन हो, सैमसंग का भी फ़ोन हो, एलजी का भी फ़ोन हो, ऐसी 4-5 कंपनी एप्पल वगैरह के फ़ोन रखे हों, ओप्पो होना चाहिए उसमें। और फिर आप किसी भी फ़ोन को खरीदने वहाँ पर शॉप में चले जाना। अगर आप सैमसंग का मांगोगे तो भी वो कोशिश करेंगे कि आप ओप्पो का खरीद लो, क्योंकि ओप्पो या वीवो इसीलिए खरीदने के, क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, ओप्पो का फ़ायदा हो रहा है इसमें। इस वजह से ओप्पो और वीवो के फ़ोन इतने ज़्यादा बिकते हैं। और ओप्पो वीवो और वन प्लस इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ फ़ोन है, जिन लोगों को नहीं पता, जहाँ पर भी जाओ ओप्पो वीवो ओप्पो वीवो। तो मैं बस इतना ही करूँगा, मैं 1% भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओप्पो वीवो वीवो के फ़ोन खरीद लो। अब मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चर हो रही होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ख़राब नहीं होती, हो सकता है मेरे लिए ख़राब हो, आपके लिए अच्छी हो। तो अब आप ये फ़ोन क्यों खरीद सकते हो? अगर आपके बाप दादा बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना छोड़ के चले गए हैं, जो आप छुपाते नहीं छुप रहा है, तो फिर आप ये खरीद सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, या फिर आपको सिर्फ सेल्फियों का शौक है, बस
जहाँ पे जाना है फेसबुक पे सेल्फी अपलोड करनी है, इंस्टा पे सेल्फी अपलोड करनी है, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो मेरी तरह या फिर किसी कोई भी अलग हो यूट्यूबर हो, तो फिर आप इस फ़ोन को कभी मत खरीदना, क्योंकि इसका कैमरा आपको अच्छा मिलता है, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि प्रोसेसर इसका अच्छा नहीं है, और रैम देखकर कभी भी फ़ोन नहीं खरीदना क्योंकि रैम का उतना काम नहीं होता जितना काम प्रोसेसर का होता है। प्रोसेसर बहुत बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल अदा करता है एक फ़ोन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है ना। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, इन बातों को ध्यान में रखना तभी फ़ोन खरीदने जाना, ठीक है ना। और ओप्पो वीवो तब भी वो पूरी कोशिश करेगा आपको ओप्पो वीवो खरीदने की, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल जो वो बोले ओप्पो के बारे में, जो भी वो प्लस पॉइंट बोले, वो प्लस नहीं होता है, वो माइनस होता है, वो बस अपने मन से बनाकर झूठ बोलता है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना, उसको लगता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, वो तुरंत आपको बेवकूफ़ बना के आपको वो फ़ोन बेच देते हैं। तो सोचिए उनका कितना फ़ायदा होता है, और आप जो ओप्पो का फ़ोन ख़रीद लेते हैं ओप्पो वीवो का, आपका कितना लॉस होता है। तो इसी लॉस से बचने के लिए मैंने बचाने के लिए लोगों को ये वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जिनके पास भी ओप्पो वीवो का फ़ोन है, उनको अभी कभी शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी का अभी, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही। Guys, this is bullshit. Stop doing this. My life is a movie, and everyone's watching. So let's get to the good part and past all the night.